एक संदेश। देखिए शंखनाद हो चुका है गेंदबाजी के छोर पर तैयार संदेश। स्ट्राइक पर खेलेंगे राकेश। ये देखिए इस बार पहली गेंद पर एक अच्छी गेंद डाली थी यहाँ पर बल्ले का आउटेज लेकर एक रन का इजाफा, एक रन के बदौलत खाता खोला अपना और अपने टीम का। राकेश ने अगली गेंद संदेश की सामना करेंगे जयेश। ये देखिए ब्लॉक में डाली थी, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं वही डालने की कोशिश और उतना ही करारा जवाब मिला है जयेश के बल्ले से। एक रन का इजाफा, एक रन की बदौलत स्कोर कार्ड इल्तवा स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं तो नकित या दरम्यान सामना विराज पारितोषिक देताना भूषण गायकर साठी आमचे कमिटी अध्यक्ष माननीय श्री संदेशजी देशमुख यांच्या शुभ हस्ते इसी के बीच एक डॉट गेंद की समाप्ति दी है। स्कोर कार्ड वहीं पर रुका हुआ दो पर। क्या करारी गेंदबाजी चल रही है इस समय मैदान में संदेश की ओर से और यहाँ पर गिल्लिया भी गिर दी। देखिए पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू और पहली सफलता संदेश के खाते में। दीजिए देखिए पहली सफलता लेने में कामयाब हो चुके हैं संदेश अपने टीम के लिए। स्कोर कार्ड वहीं पर रुका हुआ दो रन। अब नए बल्लेबाज क्रीज में जाते हुए इस टीम के एक अच्छे खिलाड़ी के पारी का अंत हो चुका है। राकेश पवेलियन लौट चुके हैं। अब प्रारंभिक बल्लेबाज जयेश और नए खिलाड़ी रतीश क्रीज पर स्ट्राइक पर खेलेंगे। रतीश नए बल्लेबाज सामना करेंगे इस रफ्तार के सौदागर यानी कि संदेश का। ये देखिए इस बार आगाज किया है पहली गेंद पर अपने इरादे स्पष्ट करने की कोशिश और ये बैक टू बैक दूसरी विकेट संदेश के खाते में। तो दूसरी सफलता यहाँ पर मिली है संदेश को। रतीश के पारी का अंत हो चुका है। जीरो रन बनाकर लौट चुके हैं डगआउट पर पवेलियन। स्कोर कार्ड वहीं पर रुका हुआ दो पर। दाद देना चाहूंगा इस गेंदबाज की, पूरी तरह से अपने कदम जमाए रखे इस मैच में। अपने गेंदबाजी की ताकत से करारी गेंदबाजी का नमूना यहाँ पर देखने को जरूर मिला है। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं जयेश। ये देखिए जयेश ने करारा जवाब दिया और पॉइंट के फील्डर के ऊपर से ये निकाल दिया। गेंद को लॉफ जरूर किया था लेकिन क्या जबरदस्त फील्डिंग का मुजहरा। दो रन से संतुष्ट होना पड़ा इस बार जयेश को। दो रन के बदले स्कोर कार्ड इल्तवा स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं पांच। चार चार। तो एक ओवर की समाप्ति के स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके चार यानी कि एक सफल गेंदबाजी देखने को मिली, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली मैदान पर। तो विकेट चटकाए थे इस गेंदबाज ने और अपने टीम को मजबूत करने का काम किया था इस बार पूरी तरह से खरे उतरे कप्तान की नजर में। अच्छा योगदान अपने टीम के लिए संदेश का।
अब स्ट्राइक पे आ पहुंचे नए बल्लेबाज सुबोध। नॉन स्ट्राइक गेंद पर खेलेंगे जयेश इस टीम के ओपनर बल्लेबाज और गेंदबाजी के जोर पर अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार यहां पर नए गेंदबाज मनीष। सुबोध एक इस टीम के मार्टी हिटर जाने जाते हैं, बड़े बड़े हिट लगाने की क्षमता रखता है ये खिलाड़ी। आज अपने आप को आजमाने के लिए इस मैदान पर तैयार, सामना करेंगे मनीष का। ये देखिए इस बार काफी रूम दिया था ऑप्शन छोड़ती हुई गेंद अतिरिक्त रन में बढ़ती, अतिरिक्त रन के बदौलत एक रन का इजाफा, एक रन के बदौलत स्कोर कार्ड हिताबा स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं पांच। बार फिर से मनीष सुबोध। ये देखिए इस बार काफी रूम दूर से खेलने की कोशिश, ड्रॉप का ये खिलाड़ी जिसने इस गेंद को फील्ड किया, एक रन का इजाफा, एक रन की बदौलत स्कोर कार्ड इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं छह। अब स्ट्राइक पर आ चुके स्टीव का धाकड़ शेर जयेश। ये देखिए उठाकर खेलने का कोशिश जरूर चल रही है बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन उतने चालाक और चतुर गेंदबाज जो मौका नहीं दे रहे पूरी तरह से बांधने में कामयाब। जब तक अच्छी गेंदें आ रही है तब तक बल्लेबाज इक्के दुक्के से काम चला रहे, कमजोर गेंद की राह देख रहे हैं दोनों बल्लेबाज, लेकिन उतने ही चलाक गेंदबाज एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के छोर पर मनीष। ये देखिए ब्लॉक करने की कोशिश जरूर की थी यहाँ पर, एक रन का इजाफा, एक रन की बदौलत स्कोर कार्ड इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं आठ। यानी एक सफल गेंदबाजी कहूंगा मैं, जैसी पहले गेंदबाजी की थी संदेश ने, उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए ये साथी गेंदबाज मनीष अपना काम बखूबी निभाते हुए कप्तान की नजर में पूरी तरह से खड़े उतरते हुए दिखाई दिए अभी तक। कुछ गेंदे शेष, सामना करेंगे जयेश। ये देखिए इस बार अंदर घुसकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, ऐसा लगा था गेंद उछलेगी, शॉर्ट गेंद या छोटी गेंद की थी, लेकिन गेंद ने उछाल प्राप्त किया ही नहीं, गेंद सीधा निकल गई बल्ले के नीचे से विकेट कीपर के दस्तानों में। ये अच्छे वेरिएशन देखने को मिलते हैं जरूर इनके उंगलियों से, अगली गेंद कौन सा अस्त्र निकालेंगे ये देखना जरूरी, और उतने ही यहाँ पर जयेश तैयार। इस बार देखिए अक्रॉस द लाइन आकर खेलने की कोशिश जरूर की है, अच्छा संपर्क लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन का इजाफा, एक रन के बदौलत स्कोर कार्ड इंतवा स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं नौ। तो अभी तक शांत पारी यहां पर जारी है, एक अच्छी साझेदारी बन रही है, लेकिन इस टीम के सामने खेलना है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि उस खेमे में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। ये देखिए जैसे इस बात का जिक्र हुआ, इस खिलाड़ी ने आजमाया अपने बल्ले को, लेकिन दूरी तय नहीं कर पाया, इस बार एक और विकेट का पतन। थैंक यू डीजे। देखिए भावेश पवार की धुन बजाई थी, और अब इस बार अपने टीम को संवारना है तो किसी एक बल्लेबाज को भावेश पवार बनना पड़ेगा, तब जाके मैच में जीत मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि इस टीम के सामने अगर खेलना है तो एक बड़ा लक्ष्य रखना पड़ेगा, मौका मिलता नहीं तो मौका बनाना पड़ेगा, बड़े बड़े हिट निकालने पड़ेंगे। जयेश अभी तक घात लगाकर बैठे क्रीज पर, दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं नौ, यानी कि एक साधारण स्कोर खड़ा करने में सफल हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन इस टीम के सामने अगर खेलना है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा इन बल्लेबाजों को। नए गेंदबाज चुने गए गेंदबाजी के छोर पर हर्ष।
और नए बल्लेबाज क्रीज में जा चुके हैं शुभम, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो बड़े बड़े हीट लगाने की क्षमता और कुवत रखते हैं शुभम। इस बार इनका बल्ला बोलना जरूरी है इस टीम के लिए। जयेश अभी तक डटे हुए पूरी तरह से क्रीज पर, लेकिन खास कमाल नहीं दिखा पाए उनका बल्ला, एक छोर से विकेट गिरती रही, इसी का प्रेशर बनाने में कामयाब रहे गेंदबाज हर्ष। ये देखिए हर्ष ने ऐसी गेंद फेंकी कि तोहफा दिया, मैं कहूंगा इस टीम को कुल मिलाकर 9 बॉल और ये 4, कुल मिलाकर 5 रन का इजाफा, और यानी कि अगली गेंद होगी फ्री हिट। तो 5 रन का ये बोनस जरूर मिला है इस टीम को, यानी कि नसीब ने 7 जरूर दिया है। नसीब का ये चौका और 9 बॉल, कुल मिलाकर टोटल आ चुकी है 14। अब हर्ष की अगली गेंद, सामना करेंगे नए खिलाड़ी शुभम। ये देखिए फ्री हिट की एक गेंद थी, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, नतीजा निकला है वाइड। वाइड के बदले स्कोर कार्ड, इंदाव स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 15। अब फ्री हिट की एक गेंद, कितने नंबर लगाते हैं नए खिलाड़ी शुभम, ये देखना जरूरी, क्योंकि अच्छा मौका है उनके पास अपनी टीम की नैया संवारने का। ये फुल टॉस गेंद देखिए, फील्डर ने गलती जरूर की थी, जहां पर 1 रन था यहां पर 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा, 2 रन आसानी से पूरे। इस 2 रन के बदले स्कोर कार्ड, इल्तफा स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 17। तो हर्ष थोड़े से महंगे होते हुए यहाँ पर नजर आए पहली गेंद पर, 8 रन यहाँ पर गवा चुके हैं अपने, 8 रन खर्च कर चुके हर्ष। अगली गेंद, सामना करेंगे एक बार फिर से शुभम। ये देखिए क्या जबरदस्त शॉट लगाया था यहाँ पर, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, फील्डर द्वारा प्रयास जारी, 2 रन यहाँ पर आसानी से पूरे अपने टीम के लिए। इस 2 रन के बदले स्कोर कार्ड, इंदावा स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 19। तो निश्चित तौर पे इरादे तो दिख रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज के, बड़े बड़े हिट लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हर इस बार गेंदबाजी के छोर पर। ये देखिए ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर बॉटम एज लेकर गेंद सीधा निकल गई यहाँ पर, और कॉर्नर के रीजन में इस गेंद को फील्ड करार किया, जब तक फील्ड कर पाते तब तक 1 रन आसानी से पूरा। इस रन के बदले स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 20, और कब से प्रतीक्षा कर रहा था ये खिलाड़ी इस टीम का प्रारंभिक बल्लेबाज ओपनर जयेश, हाथ लगाकर बैठा है ये शेर। अब ये देखना है कि क्या कर पाते अपने टीम के लिए, क्योंकि बड़े हिट निकालने की क्षमता रखने वाला ये खिलाड़ी जिसके बल्ले में दम है, आज अपना बल्ला आजमाने के लिए तैयार अपने टीम के लिए इस समय मैदान पर। हर्ष की अगली गेंद, सामना करेंगे जयेश। ये देखिए फुल टॉस गेंद, पूरी तरह से फायदा उठाया, आसमान चीर कर गेंद निकल गई 6 के लिए। थैंक यू डीजे। डीके जितनी सफल गेंदबाजी की थी संदेश और मनीष ने, उतनी खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं हर्ष द्वारा, काफी महंगे साबित हुए। इस बार पूरी तरह से फायदा उठाया जयेश ने, जो इस टीम का धाकड़ शेर अभी तक घात लगाकर बैठा था, मौके की तलाश कर रहे थे, अच्छी गेंद को सम्मान दिया था, जैसे ही खराब गेंद दिखी 6 में तब्दील किया। अगली गेंद हर्ष की जयेश के लिए,
एक बार फिर से यही इतिहास दोहराने की कोशिश। फील्डर वहां पर मौजूद और देखिए मौका था फील्डर के पास लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए। इस बार जीवन दान दिया है, मैं कहूंगा जयेश को। थोड़ी सी लेजी क्रिकेट यहाँ पर देखने को जरूर मिली है जयेश द्वारा, जहां पर 2 रन आसानी से पूरे हो सकते थे। वहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा जयेश को। अब स्ट्राइक पर जा पहुंचे शुभम, सामना करेंगे हर्ष का। हर्ष की गेंदबाजी मैं कहूंगा संकट मोचन हनुमान के जैसे लंबी होती हुई नजर आ रही है इस समय। अगली गेंद हर्ष की, सामना करेंगे शुभम। ये देखिए फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस का फायदा उठाना चाहते थे लेकिन शुभम के पारी का अंतिक और झटका टीम को। तो 27 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। पहली गेंदबाजी लेकर आए थे संदेश, काफी सटीक गेंदबाजी की थी, 4 रन खर्च किए थे। उनके बाद आए थे मनीष गेंदबाजी के छोर पर, उन्होंने 5 रन खर्च किए थे। उनके बाद आए थे एक युवा खिलाड़ी हर्ष, काबिलियत भरा एक खिलाड़ी, लेकिन इस ग्राउंड को भाए नहीं, 18 रन खर्च कर डाले। थोड़ी सी नाजुक स्थिति में थी आयुष 11 की ये टीम, लेकिन इस टीम का प्लस पॉइंट कहा जाए तो जयेश अभी तक क्रीज पर मौजूद है, अपने कदम डटाए हुए है, पूरी तरह से डटे हुए। स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 27। अब स्लॉग ओवर लेकर आएंगे नए गेंदबाज जितेश। जितेश मैन फ्रॉम गोठिवली, स्ट्राइक पे आए पहुंचे नए बल्लेबाज राजा, अपने आप को आजमाने के लिए तैयार अपने टीम के लिए। नॉन स्ट्राइक गेंद पर टीम के ओपनर जयेश और गेंदबाजी के छोर पर देखिए मैन फ्रॉम गोठिवली जितेश। ये देखिए राजा ने बल्ला घुमाया था जरूर लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए, कारपेट द्वारा खेला हुआ ये शॉट, 1 रन से संतुष्ट। स्ट्राइक रोटेट की, अपने साथी बल्लेबाज काफी समय बिता रहे हैं इस समय क्रीज पर। जयेश के पास मौका दिया क्योंकि जयेश का बल्ला अच्छी तरीके से बोल रहा है इस ग्राउंड पर। स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 28। जीतेश की अगली गेंद, सामना करेंगे जयेश। ये देखिए काफी दूर से खेलने की कोशिश की थी गेंद पर, कदमों का कोई इस्तेमाल देखने को नहीं मिला। 1 में 2 कन्वर्ट करने की कोशिश और राजे का पारी का अंत यहाँ पर होता हुआ। चला जरा स्पीड अप करायचं आहे, वेळ खूप कमी आहे आपल्याकडे। देखिए इतना समय बिता है जयेश ने क्रीज पर, एक और फिर से अपने लिए स्ट्राइक रखना चाहते हैं, यानी कि रणनीति साफ है, बड़े हिट निकालना चाहते हैं अपने टीम के लिए। ये देखिए इस बार उठाकर खेला है जरूर, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, मिड ऑन के क्षेत्र में नो मैन्स लैंड में गेंद गिरती हुई। जब तक फील्डर फील कर पाते तब तक 2 रन आसानी से पूरे, 2 रन का इजाफा, 2 रन के बदले स्कोर कार्ड हिलता हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं
31 जितेश की अगली गेंद सामना करेंगे एक बार फिर से जयेश। ये देखिए वेरिएशन जरूर देखने को मिला, गति परिवर्तन जिसे कहा जाता है। धीमी गेंद फेंकी थी, बल्ला पहले घुमा, कोई रन नहीं। स्लॉग ओवर में देखिए डॉट गेंद निकाली इस गेंदबाज ने, एक क्षमता इस गेंदबाज की। इस बार अतिरिक्त गति देखने को मिली और यहाँ पर क्लीन एलवी करार कर दिया यहाँ पर जयेश के पारी का नतीजे। थैंक यू डीजे। ऐसा लग रहा था कि जयेश एक दो बड़े हिट जरूर निकालेंगे अपने टीम के लिए, लेकिन सफल होने या अपने इरादों में उतने ही चतुर चालाक निकले ये गेंदबाज, जिनकी गेंदबाजी में वेरिएशन देखने को मिला। अगली गेंद सामना करेंगे नए खिलाड़ी सचिन, सामना करेंगे जितेश की गेंदबाजी का। ये देखिए यहाँ पर क्लीन बॉल, फर्नीचर तोड़ने का काम किया जितेश की इस गेंद ने, एक और विकेट का पतन, स्कोर कार्ड वहीं पर रुका हुआ 31 पर, यानी कि 32 रन का। डीजे थैंक यू डीजे। रुपेश देशमुख समोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे आपण। बॉल पोचवायचे रितेश देशमुख आलेत ना, ओके। तो आयुष इलेवन के ये खिलाड़ियों ने 31 रन बटोरने में कामयाब हो चुके हैं और 32 रन का लक्ष्य रखा है स्वराज इलेवन के सामने। तो 24 गेंदे 32 रन, अब ये लक्ष्य कैसे भेजते हैं ये देखना जरूरी। गेंदबाज इन 32 रनों को नेक्स्ट मैच
सर मैंने एक सूचना, आरिया इलेवन संघाचा कर्णधार आणि राज फाइटर संघाचा कर्णधार दोघांना विनंती असेल की नानी फेकीचे कौल करण्यासाठी समोचन कक्षामध्ये यायचंय. ये देखिए ये पहली गेंद पर कारपेट द्वारा खेला हुआ ये शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद. मिड विकेट में इस गेंद को फील करार किया, जब तक फील्डर फील कर पाते तब तक एक रन आसानी से पूरा. एक रन की बदौलत अपनी टीम का खाता खोला संदेश ने. गेंदबाजी की छोर पर रतीश तैयार. आयुष इलेवन का ये गेंदबाज रफ्तार का सौदागर. अब सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सचिन. ये देखिए क्या जबरदस्त गेंद डाली थी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास क्योंकि फुटवर देखने को नहीं मिला. फुटवर की कमी हमेशा से देखने को मिली है और ये इस बार एक बार फिर से एक और किस्सा देखने को मिला. यहाँ पर दूर से खेलने की कोशिश मैं कहूंगा बार बार बचे और स्लिप के खिलाड़ी ने क्या जबरदस्त अपील लगाई थी इस गेंद पर. इस बार अंदर घुसकर खेलने की कोशिश लेकिन चलाक चतुर गेंदबाज. देखिए ऐसा लगा था गेंद पर उछाल प्राप्त होगा लेकिन नीचे से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बैक टू बैक दो डॉट गेंदे यहाँ पर फेंकी गई गेंदबाज रतीश द्वारा. ये मैं कहूंगा एक सटीक गेंदबाजी इस टीम में, अपने टीम में जान डालने वाली गेंदबाजी क्योंकि ये डॉट गेंदे स्लो पॉइजन का काम करती है ऐसे मैचेस में. एक बार फिर से लेकिन इस बार भाप लिया बल्लेबाज ने. स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं दो. अब स्ट्राइक आ पहुंची है संदेश के पास. सामना करेंगे रफ्तार के सौदागर रतीश का. संदेश एक ऑलराउंडर खिलाड़ी इस टीम के खेमे में, काफी आशा है उनसे कप्तान को. ये देखिए इस बार उठाकर खेल लिया, टाइमिंग उतनी अच्छा नहीं फंसे थे मैं कहूंगा. मौका था इस फील्डर के पास लेकिन ये दनदना था चौका डीजे. थैंक यू डीजे. देखिए दो दो फील्डर लगे थे इस गेंद के पीछे लेकिन गेंद रोकने में कामयाब नहीं हो पाए. रतीश की अगली गेंद, सामना करेंगे संदेश. इस बार ब्लॉक करार किया था लेकिन उतना ही अच्छा जवाब मिला है. एक बार फिर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग फंबलिंग देखने को मिली यहाँ पर. दो रन बटोरने में कामयाब, दो रन के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 8. निश्चित तौर पे एक अच्छी गेंदबाजी कहूंगा मैं रतीश द्वारा. चला स्पीड अप करायचं आहे, टीम मीटिंग जास्त नको. तो एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 8. रतीश आए थे मैंट्री पावर पे की ओवर लेकर. क्या सटीक नियंत्रण भरी तेज तर्रार गेंदबाजी देखने को मिली थी और उनकी जगह लेने के लिए अब नए गेंदबाज चुने गए हैं आयुष. सामना करेंगे सचिन और संदेश. स्ट्राइक पर खेलेंगे इस समय सचिन जो निजी एक रन पर खेल रहे हैं. नॉट स्ट्राइक गेंद पर संदेश अपने निजी 6 रन पर खेल रहे, 7 रन पर खेल रहे, कुल मिला के टोटल लग चुकी है 8. अब तैयार गेंदबाज.
ये देखिए इस बार काफी छोटी गेंद शॉर्ट गेंद की थी, इसका पूरी तरह से फायदा उठाया, चार रन बटोरे अपने टीम के लिए। पहली गेंद पर काफी महंगे साबित हुए यहाँ पर आयुष, पहली गेंद पर चार रन का इजाफा, चार रन से बढ़ती कुल मिलाकर टोटल लग चुकी है 12। थैंक यू डीजे। आयुष की अगली गेंद, सचिन इस बार निगाहें कहां निशाना कहां जाना था, जापान पहुंच गए चीन। देखिए एक और पहले विकेट का पतन। थैंक यू डीजे। तो कठिन संघर्ष जारी है मैदान पर, पकड़ा अभी भी दोनों तरफ भारी है, दोनों छोरों से जोर लगाया जा रहा है। रतीश पहली गेंदबाजी कर लौट चुके थे, उनकी जगह लेने के लिए आए थे आयुष। पहली गेंद पर महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या वापसी की देखिए, पहला ब्रेक थ्रू देने में कामयाब हो चुके हैं आयुष। अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज राजू डोकले, काफी सालों का एक्सपीरियंस उनके पीछे। ये देखिए क्या जबरदस्त गेंद डाली थी संदेश ने, सम्मान दिया इस गेंद को, भली भांति भापा था। इस गेंद पर अगर मैं हिट लेता हूँ तो निश्चित तौर पे ये लालच दिखाने वाला काम किया था इस गेंदबाज ने इस बल्लेबाज को, लेकिन फंसे नहीं उतने चलाक बल्लेबाज संदेश, अगली गेंद का इंतजार करेंगे। ये देखिए ये जबरदस्त गेंद कहूंगा मैं, कोई मौका नहीं, अंत तक गेंद पर नजर टिकाने में नाकामयाब, एक और डॉट गेंद की समाप्ति, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 12। इस बार देखिए टाइमिंग तो की है, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं इस गेंद को पकड़ने का, आसमान चीरती हुई गेंद 6 के लिए। थैंक यू डीजे। तो आयुष की पिछली गेंद को सम्मान जरूर किया था, लेकिन एक कमजोर कड़ी ढूंढ रहे थे, पूरी तरह से आघात किया 6 बटोरे। इस गेंद पर फिर से वही प्रयास, लेकिन ईट का जवाब पत्थर से दिया यहाँ पर आयुष ने, एक और विकेट का पतन। ये संदेश के पारी का अंत हो चुका है, यानी कि आशा की किरण दिखाई दे गई है यहाँ पर ये आयुष अपने टीम के लिए, क्योंकि संदेश इस टीम के ताकतवर खिलाड़ियों में से एक थे। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 18। थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए यहाँ पर आयुष, पहली गेंदबाजी की थी रतीश ने, 8 रन खर्च किए थे, उनके बाद आए थे आयुष, उन्होंने 10 रन खर्च जरूर किए, लेकिन 2 सफलताएं भी प्राप्त की अपने टीम के लिए, और अपनी टीम की मैच में जगह बनाने का काम किया है, मैं कहूंगा आयुष ने। अब नए गेंदबाज जयेश, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बल्लेबाजी में खास कमाल दिखा नहीं पाए, लेकिन इस बार गेंदबाजी के छोर पर अपना नसीब आजमाने के लिए तैयार, स्ट्राइक पर खेलेंगे,
काफी अनुभवी खिलाड़ी मैन फ्रॉम भोकरपाड़ा राजू ढोकले काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हर एक मैदान पर खेल चुके इस समय अपने आप का अपना बल्ला आजमाने के लिए तैयार सामना करेंगे जयेश की गेंदबाजी का। जयेश की पहली गेंद सामना करेंगे राजू। ये देखिए ऑप्शन छोड़ती हुई एक गेंद नतीजा निकला है वाइड। अंपायर समीर कचरे ने वाइड का इशारा किया यानी कि अतिरिक्त रन में बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके 19। जीतने के लिए अभी भी 12 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता ऐसी स्थिति में जयेश को एक अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ये देखिए जिसका जिक्र चल रहा था वैसी गेंदबाजी देखने को मिली। राजू ढोकले समझ नहीं पाए इस गेंद को, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, यहाँ पर खतरा हो सकता था, अब स्टंप पर छू कर निकल सकती थी एक गेंद, लेकिन बाल बाल बचे मैं कहूंगा। अगली गेंद जयेश की एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार राजू। ये देखिए इस बार बल्ला घुमाया और क्या जबरदस्त तरीके से घुमाया था, निश्चित तौर पे 6 आ सकते थे लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद राजू ढोकले के विकेट का अंत, उनकी पारी समाप्त। डीजे थैंक यू डीजे। कवर के सर के ऊपर से खेला था इस शॉट को, डीप कवर पॉइंट का ये खिलाड़ी, क्या जबरदस्त कैच लपकी थी इस खिलाड़ी ने। अब नए खिलाड़ी स्वप्निल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर खेलेंगे मनीष। गेंदबाजी के छोर पर एक बार फिर से जयेश जो इस टीम में वापसी करना, इस मैच में वापसी करना चाहते हैं। जयेश भली बात ही जानते हैं कि ये क्रिकेट है, इस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हौसले बुलंद रखना जरूरी, अंतिम गेंद तक संघर्ष करना जरूरी है। इस बार फिर से स्लोर डिलीवरी और देखिए गैप ढूंढने में कामयाबी है बल्लेबाज, सीमा पार चौका। थैंक यू डीजे। तो स्वप्निल के बल्ले से यह दंदनाता चौका आया था, उभरता हुआ सितारा इस टीम का, क्या बहुबी काम निभा रहा है अपने बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में और उतने महंगे साबित होते हुए यहाँ पर मैं कहूंगा जयेश। जयेश भली भांति जानते हैं अच्छे खिलाड़ी है, एक एक रन बचाना यहाँ पर जरूरी। एक बार फिर से देखिए इस बार फंसे लटके पूरी तरह से स्वप्निल, उनके विकेट का अंत होता हुआ नजर आया डीजे। थैंक यू डीजे। 23 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, देखिए 2 विकेट लेने में कामयाब हो चुका है ये गेंदबाज यानी कि पूरी वापसी करने की तैयारी में। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज
मनीष एक बार फिर से स्लो डिलीवरी देखिए, बल्ले का बॉटम एज लेकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक गेंद गई थी, काउकर रीजन में इस गेंद को फील्ड करार किया था लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक सके। इस दो रन के बदले स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 25। अभी भी जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी में कहूंगा इस बार जयेश द्वारा, एक बार फिर से एक को दो में कन्वर्ट करने की कोशिश और गुड रनिंग कहूंगा मैं इस बार। तो इस दो रन के बदले स्कोर कार्ड इतना हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 27। तो अभी जीतने के लिए 6 गेंदे 5 रन। अगर इस मैच में जीत मुकम्मल करनी है तो 6 गेंदों में 5 रन बटोरने पड़ेंगे स्वराज के इन धुरंधरों को और आयुष इलेवन को एक ऐसा गेंदबाज लाना पड़ेगा कि ये 5 रन खर्च करने में नाकामयाब हो जाए। स्ट्राइक पर खेलेंगे जितेश, नॉन स्ट्राइक गेंद पर मनीष और गेंदबाजी के छोर पर गेंदबाज चुने गए हैं राकेश, जो 6 गेंदों में 5 रन बचाने का काम करेंगे। पूरी तरह से काटो भरा मुकाबला, एयर टाइट मैच। देखिए ये क्रिकेट है, इस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। एक मुकाबला हुआ था खानावले के ग्राउंड पर, 6 गेंदों में 1 रन नहीं बनी थी। ये देखिए अब प्रेशर बढ़ता हुआ, जितने हल्के में लिया जाए उतने हल्के में ये मैच छोड़ने के लिए तैयार नहीं आयुष इलेवन के ये धुरंधर। स्वराज टीम के खेमे में थोड़ी सी चिंता दिखाई दी। अब 5 गेंदे 5 रन, अब मजा आएगा देखिए मैच में, दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला ये मैच। राकेश गेंदबाजी की छोर पर तैयार, एक बार फिर से उठाकर खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद और कोई मौका नहीं, ये आसमान चीरती हुई 6 रन।